हॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसे सेलेब्स हैं जो कभी रिलेशनशिप में रहे हो, कुछ ब्रेकअप के बाद भी साथ में काम करने में कंफर्टेबल रहते हैं, तो कुछ प्रोफेशनल लाइफ में भी दूरी बना लेते हैं। अब मुकेश छाबड़ा के पॉडकास्ट मैशेबल इंडिया में हाल ही में कबीर खान, फराह खान, राज और डीके, हंसल मेहता और इम्तियाज अली पहुंचे। इस दौरान कबीर ने बताया कि कैसे फिल्म एक था टाइगर की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के साथ काम करने में कंफर्टेबल नहीं थे। कबीर ने बताया कि जब वो कैटरीना कैफ को एक था टाइगर फिल्म के लिए सोच रहे थे, तब उन्होंने सलमान खान को अप्रोच कर लिया था। हालांकि वो स्टेज था जब दोनों का ब्रेकअप हो गया था और दोनों एक दूसरे को लेकर कंफर्टेबल नहीं थे। बता दें, कैटरीना और सलमान ने साथ में मैंने प्यार क्यों किया, युवराज, पार्टनर, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है और टाइगर 3 जैसी फिल्मों में काम किया है। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को फैंस काफी पसंद करते हैं। खैर, वापस इस पॉडकास्ट की बात करें तो इस दौरान फिल्म मेकर राज और डीके ने बताया कि फैमिली मैन शो की शूटिंग के दौरान लीड कैरेक्टर बिल्कुल अलग हो जाता और अगर मनोज वाजपेयी इनसे नहीं जुड़ते। इम्तियाज अली बताते हैं कि आलिया उनकी फिल्म हाईवे से जुड़कर खुश थी क्योंकि उन्हें फिल्म में काफी कुछ करने को मिला। फराह खान बताती हैं कि जहां कई एक्टर्स फिल्म मैं हूं ना में विलेन का रोल रिजेक्ट कर रहे थे, वहीं सुनील शेट्टी ने इसे करने के लिए हाँ कहा।